के नाम शामिल होने की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां सियासी दाव पेच करने की पूरी तैयारी में है। इसी बीच देखा जाए तो जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। और ये सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वर्चस्व इन नेताओं का कायम है और कहीं ना कहीं लोगों का भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार और बम्पर वोट जो है इन लोगों को मिला हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर इन सीटों से ये लिस्ट जारी होगी और इन सीटों से इन ये तमाम जो है वो दावेदार बनाए जाएंगे तो वाकई इनका जीतना जो है वो तय हो सकता है। हालांकि ये तो जनता को तय करना है कि किसको जिताना है या नहीं जिताना है, लेकिन कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं दिखाई देती नहीं नजर आ रही है। अगर पिछले 2019 के चुनाव में हम देखें तो चाहे मैं अमेठी की बात कर लूं या वाराणसी की बात कर लूं, तो ये हमें समझना होगा कि बीजेपी ने जो सीटें तय की हैं, कौन कौन सा शख्स जो है कौन कौन सी सीट का दावेदार होगा, बहुत ही चुनकर तय की है। हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा। इनके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनेवाला, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना। आप सोचिए, रविंद्र रैना अपने आप में वहां पर बहुत कद्दावर नेता हैं और कहीं ना कहीं जनता का प्यार उन्हें मिलता है। वहीं कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा और आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह को चुनौती मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी यानी कि सीईसी की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से 3:15 तक 4 घंटे तक मंथन हुआ था। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे थे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सांसदों के टिकट कट सकते हैं। जी हां, भाजपा सूत्रों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं या नए चेहरे होंगे। भाजपा ने इस साल विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री, 5 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को उतारा था। इसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी दिग्गजों को उतारा जा सकता है। पार्टी का मानना है कि इससे जीत का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो रणनीति तैयार की है भाजपा ने वो कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी होती हुई नजर आ रही है अगर इसी प्लेटफॉर्म पर वो चलते हैं तो। इस रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भोपाल, 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को सागर सीट से टिकट दिया जा सकता है। जबलपुर, इंदौर में चौंका देने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची में मध्य प्रदेश की 12 से 15 सीटें घोषित हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो दुर्ग से विजय बघेल और कोरबा से सरोज पांडे का नाम फाइनल हो सकता है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि लोकसभा में नामों पर चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि दुर्ग से विजय बघेल और कोरबा से चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत के खिलाफ सरोज पांडे चुनाव लड़ सकती हैं। सरोज पांडे का राज्यसभा का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है। विजय बघेल अभी दुर्ग से सांसद हैं। सरगुजा से कमल भान सिंह, रामसेवक पैकरा, विजयनाथ सिंह, रामकिशन सिंह का नाम है, जबकि रायगढ़ से आरपी राय, सुषमा खलको, गेंदलाल कंवर और रजनी रठिया का नाम बताया जा रहा है। जांजगीर से गुरदयाल पाटिल, कमलेश जांगड़े, वेदरा मनहरे, गुहराम अजगले, विकास महतो, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रजनी सिंह, लखनलाल साहू का नाम भी चर्चा में है। वहीं रायपुर से लक्ष्मी वर्मा, संजय श्रीवास्तव, केदारनाथ गुप्ता दावेदार है। महासुमंद से चंदूलाल साहू और चुनीलाल साहू प्रबल दावेदार हैं। कांकेर से भोजराज नाग, विकास मरकाम या मोहन मांडवी और बस्तर से रूप सिंह मंडावी, शुभारुम कश्यप या फिर महेश गागड़ा को मौका मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सहयोगी दलों के लिए 6 सीट भाजपा छोड़ सकती है। राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। खबरों की माने तो भाजपा अपना दल RLD और अन्य पार्टियों को 6 सीटें दे सकती है। अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जबकि RLD को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। इसके अलावा OP राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को घोसी और संजय निषाद की निषाद पार्टी को खलीलाबाद सीट मिल सकती है। इसके अलावा बिहार पर अगर हम नजर डालें तो बिहार में सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद लिस्ट आएगी। बिहार में BJP का नीतीश कुमार की पार्टी JDU लोजपा हम पार्टी से गठबंधन है। अभी पार्टी में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए BJP के यहाँ कैंडिडेट्स घोषित करने की संभावना कम है। दिल्ली में हुई मीटिंग में बिहार से एक भी नेता शामिल नहीं हुआ था। अगर बिहार में कैंडिडेट घोषित होते हैं तो सबसे पहले 10 कमजोर सीटों नवादा, मुंगेर, वैशाली, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और गया है। इसमें नवादा, वैशाली, सुपौल, मुंगेर लोकसभा सीट BJP कभी नहीं जीती है, तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस BJP का रहने वाला है। वहीं झारखंड की हम बात करें तो 14 सीटों में से 13 पर खुद भाजपा लड़ेगी, AGSU को एक सीट देगी। खबरों की माने तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा अपने सहयोगी AJSU के लिए एकमात्र गिरिडीह सीट छोड़ेगी, बाकी 13 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ने वाली है। पहली लिस्ट में 2019 में हारी हुई राजमहल और पश्चिमी सिंहभूमि सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। पंजाब की तरफ नजर डालें तो पंजाब में अकाली से गठबंधन पर चर्चा जारी है। चंडीगढ़ से युवराज सिंह का नाम। पंजाब में लोकसभा सीट की कुल 13 सीटें हैं। भाजपा यहां अपने पुराने सहयोगी अकाली दल को NDA में शामिल कराना चाहती है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया है। अभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होल्ड किया गया है। पटियाला सीट से पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर का नाम तय माने जा रहा है लेकिन उन्होंने औपचारिक तौर पर भाजपा ज्वाइन नहीं की है। चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट से फिलहाल किरण खेर भाजपा की सांसद है लेकिन वे सक्रिय नहीं है। भाजपा उनकी जगह कंगना रनौत या फिर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मैदान में उतार सकती है। हालांकि युवराज के भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है। हरियाणा से पहली लिस्ट में 5-6 नाम संभव है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा की तरफ से 5-6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में संभावित नामों को लेकर हरियाणा भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की गुरुवार को पहली बैठक हुई है। इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर और प्रभारी बिपल देव के साथ पार्टी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद थे। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट में हरियाणा से 5-6 नाम सामने आ सकते हैं। बाकी के नाम केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी की जाने वाली दूसरी लिस्ट में शामिल होंगे। 20 ऑब्जर्वर की ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे ये कहती है कि सभी मौजूदा सांसदों के नाम प्रत्याशी लिस्ट में पहले नंबर पर रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल में अभी सियासी उथल पुथल है। कांग्रेस सरकार में ही घमासान मचा हुआ है। भाजपा भी अभी कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में यहाँ उम्मीदवारों के नाम घोषित होने की उम्मीद कम है। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम लगभग तय है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य 3 सीटों कांगड़ा, चंबा, मंडी और आरक्षित शिमला संसदीय सीट पर अभी तक भाजपा उम्मीदवारों के बारे में कुछ स्पष्ट तस्वीर नहीं है। मौजूदा समय हिमाचल में लोकसभा की कुल 4 सीटों में से हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला 3 सीटें भाजपा के पास है, जबकि मंडी सीट बीते उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत ली थी। असम की 14 लोकसभा सीटों की हम बात करें तो यहां पर भाजपा का सहयोगी दलों से समझौता हो गया है। भाजपा असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि 2 सीट पर असम गण परिषद यानी कि AGP और 1 सीट पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल UPPL उम्मीदवार उतारेगी। AGPL बारपेटा और धुबरी तो UPPL काकरझोरा से कैंडिडेट उतारेगी। आंध्र तमिलनाडु में भी अभी फिलहाल गठबंधन पर चर्चा चल रही है, अभी गठबंधन नहीं हुआ है। इसी के आधार पर बंटवारा होगा वरना अकेले मैदान में भाजपा उतरेगी। संभावना है कि 2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें सहमति बनी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए इस पर मंथन हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछली बार से 33% ज्यादा है। 2019 में 53 महिला भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। 33% से हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई थी। नए चेहरों पर चर्चा हो सकती है। खबरों की तो माने तो भाजपा 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने यही किया था। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले भाजपा ने 21 मार्च को 164 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम को जितना भी मैंने बताया तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा 2019 वाले पैटर्न पे चल रही है लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि इस बार टारगेट भी चेंज है। टारगेट है 370 BJP और 400 से ज़्यादा NDA। अब देखना है कि BJP कितना और NDA कितना तय कर पाती है। भारत टाइम में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।